नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड खत्म होने पर आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रहेंगे, वहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बैरक में अकेले रहेंगे और 24 घंटे उन पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के दूसरे साथी और मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और के कविता भी हैं। तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी सवाल हमारे आपके सबके मन में हैं, जिसका जवाब हम सभी जानना चाहते हैं, हम सभी ढूंढ रहे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार गुप्ता, जो कि पूर्व प्रवक्ता हैं तिहाड़ जेल के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, पहली बार ऐसा है कि कोई सिटिंग सीएम जेल में जा रहे हैं और तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, तो किस तरह का प्रोटोकॉल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए? जेल प्रशासन है, उनका सबसे पहला कंसर्न होता है कि प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर की सिक्योरिटी करना। तो इनको ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहां पे कि कोई प्रिजनर इनको एसेस ना कर सके और किसी तरीके से भी इनको कोई हार्म ना पहुंचे। तो उस हिसाब से जो जेल नंबर 2 है, दैट इज द कन्विक्ट जेल। कन्विक्ट जेल होने की वजह से वहां पे लोगों का आवागमन जो है बहुत कम होता है, तो शायद इसलिए जेल प्रशासन ने चुन के जेल नंबर 2 में इनको जो है रखा है। और जहां तक आगे जो प्रश्न है, देखें, मैं आपका प्रश्न समझता हूं जो आप कह रहे हैं कि आप जेल से क्या चीफ मिनिस्टरशिप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। जो मेरा उसका जवाब है बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि आप जेल से सीएमशिप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? कि जेल के अपने नियम है, कायदे हैं जिससे जेल चलती है। एक ऑर्डिनरी प्रिजनर जो है जेल में 2 बार अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है या दोस्तों से मिल सकता है, वो भी आधे घंटे के लिए, क्योंकि इनके केस में वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जेल में अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में होता है, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो कैबिनेट की फाइलें हैं वो सुपरिटेंडेंट जेल देखे और उसके बाद वो बाहर निकले। तीसरी बात यह है कि आप चीफ मिनिस्टरशिप में खाली ये नहीं होता फाइलें साइन करनी होती हैं, चीफ मिनिस्टरशिप में आपको अपने कैबिनेट मीटिंग बुलानी होती है, आपको पब्लिक ग्रीवांस सुननी पड़ती है, बहुत सारी पब्लिक है जो आपको मिलने के लिए आती है, आपको सीनियर ऑफिसर्स को से मिलना पड़ता है, आपको LG से मीटिंग करनी पड़ती है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मीटिंग करनी पड़ती है, तो तब जाके सीएमशिप का काम जो है पूरा होता है। और अगर आप जो तो ये तो आप कर नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल ये सवाल सबके मन में है सुनील जी, कि आखिर जेल से सरकार चलेगी कैसे। हालांकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, लेकिन जैसे ईडी के रिमांड में थे तब तक तो परिवार वालों को या फिर उनके वकील को मिलने की इजाजत थी, लेकिन जेल में रह करके जैसा आपने बोला कि वहां का एक नियम कानून है, लोगों को मिलने की इजाजत नहीं होती, तो किस तरह से चल पाएगी सरकार जेल से, ये सभी के मन में एक बड़ा सवाल है। इसके लिए देखें एक वे आउट भी है कि अगर जो जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन एक्ट के में जो लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी भी जगह को स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकता है, पर अगर किसी जगह को स्पेशल जेल डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे ये है कि आप मीटिंग्स भी, चलो LGL, क्योंकि सुब्रतो राय सारा के केस में LG साहब ने अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुब्रतो राय सारा को उन्होंने अलाउ किया था कि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उन्होंने जेल डिक्लेयर कर दिया था। तो आप किसी जगह को जेल तो डिक्लेयर कर सकते हैं, पर प्रश्न वही होता है, आप फाइलें वगैरह साइन कर लेंगे, आप मीटिंग वगैरह उसमें कर लेंगे, पर उसके बाद जो और कार्य हैं, जो आपकी आपने सीनियर ऑफिसर्स को आप जेल में मीटिंग के लिए, तो बड़ा लाफेबल सा वो लगेगा। तो वहां से फाइलें वगैरह साइन करने वाली बात जो है वो तो हो सकती है, उसमें आप टेलीफोन भी लगवा सकते हो, पर क्या है कि जेल में जो भी आप टेलीफोन करते हैं वो टेलीफोन जो है रिकॉर्ड होता है,
तो इनके ये कभी भी नहीं चाहेंगे इनका टेलीफोन रिकॉर्ड हो, कोई उसको और सुने। वो भी एक लीगल एक बाधा है, उसमें लीगल हर्डल है कि, तो अब हाँ जैसे हाँ उसको ना ना बिल्कुल सुब्रतो राय सारे के केस में जो था उसमें हमने ये वाली उन चीजों को उसको थोड़ा अलग कर दिया था। तो इस केस में अगर टेलीफोन आप इनको परमिशन वगैरह देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की परमिशन देते हैं, तो आपके प्रिजन रूल्स का तो हनन है ही वो। पर किसी तरीके में भी अगर आपने उनको अलाउ ये आप कर देते हैं, अलाउ करने के बाद जो है आपके लिए वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने किसी जगह को जेल भी डिक्लेयर कर दिया, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आपको कोर्ट परमिट नहीं करती। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स को इन्होंने जेल डिक्लेयर कर दिया, जैसे सुब्रतो राय सहारा के केस में किया था। पर सुब्रतो राय सहारा को ये इजाजत नहीं थी कि वो उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही इनके लिए होगा, क्योंकि जेल से आप बाहर जा नहीं सकते। जेल से आप बाहर जा सकते हैं या तो आप कोर्ट से परमिशन लो बाहर जाने की। आप रोज रोज तो परमिशन नहीं ले सकते वहां से, और सुपरिंटेंडेंट जेल को कोई पावर नहीं है कि वो आपको बाहर भेजे। आप अगर बीमार हैं तो उसमें तो बिना कोर्ट की परमिशन के आपको भेज सकते हैं, अदरवाइज आपको बिना कोर्ट की परमिशन के आपको कोई भी बाहर नहीं, आप उस जो एरिया जेल डिक्लेयर होगा उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इसमें तो काफी सारी हर्डल्स जो आएंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप पूरी कर पाओ। नहीं, आपके हिसाब से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जेल से सरकार चला पाए। हालांकि सुनील जी, देखें तो ये सभी के लिए पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सिटिंग सीएम जेल पहुंचा है। क्या है कि हाँ, पहली बार आप पहले जेल मंत्री थे, सत्येंद्र जैन जी जो जेल में आए थे वो सिटिंग जेल मिनिस्टर थे, सिटिंग मिनिस्टर थे वो, जेल पे आए थे पर वहां से वो जेल नहीं चला पाया। इवन दो सिटिंग मंत्री थे, उनका काम किसी और को नहीं दिया था, पर वो पाए वहां से, उन्होंने जेल जेल चलाने का काम वहां से किया ही नहीं। तो ये जो जेल से चलाना चाहते हैं सीएम, बहुत मुश्किल है। सुनील जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप ये जवाब प्लीज दोबारा दे दीजिए, क्योंकि आपका कॉल आ रहा था ना, तो आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही थी। जी, देखिए मैं इसमें ये बता रहा था कि सत्येंद्र जैन जी भी जो है जेल में थे, और वो जेल के मंत्री थे तब, जी जेल के मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, पर वो जेल मंत्री का काम जेल से नहीं कर रहे थे। जो फाइलें वगैरह साइन करनी थी वो उनके लिंक वो कर रहे थे, जबकि वो जेल मंत्री थे, पर वो उन्होंने जेल से वो वाला काम नहीं किया, जेल मंत्री वाला। तो इसलिए उनका तो जेल मंत्री होते हुए जेल का काम नहीं किया उन्होंने, तो उनका तो चल गया। पर सीएम के लिए जो है, सीएम का तो इतना मल्टीफेरिस, दिल्ली जैसी जगह के लिए तो इतना ज्यादा काम है, तो यहां से ये काम एक तरह का इम्पॉसिबल है। लीगली भी एज पर जेल एक मैनुअल एंड भी ये चुनाव से परमिशन, पहले, तो जाहिर सी बात है कि ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल सुनील जी, जैसा कि सभी के मन में एक उत्सुकता होती है जानने की कि किस तरह का स्केड्यूल रहता है, क्या दिनचर्या होती है तिहाड़ में, किस तरह कैसे दिन की शुरुआत होती है कैदियों की, या केजरीवाल का कैसा क्या स्केड्यूल रहेगा? जैसे केजरीवाल जी अंडर ट्रायल हैं, तो जो भी अंडर ट्रायल होते हैं, जो जेल का जो नॉर्मल रूटीन है वो करीब करीब 6 बजे शुरू होता है। 6 बजे जो कैदी हैं, जो रात को बंद किए होते हैं कैदी, उनकी गिनती होती है। अगर वो गिनती पूरी है, सपोज रात को 500 कैदी बंद किए थे, सुबह 500 कैदी पूरे होते हैं, तो उसको कहते हैं सब अच्छा। तो करीब करीब 6 साढ़े 6 बजे जो है सब अच्छा होता है। जैसे ही सब अच्छा जेल का डिक्लेयर होता है, उसके बाद जो आपकी नॉर्मल जेल की जो एक्टिविटी होती है वो शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, जो सेल में होते हैं वो, उन्होंने जो अपना जो वॉशरूम जाना है जो भी है वो उसमें होते हैं, बैरक में जो होते हैं
बैरक में उनकी टॉयलेट्स का अलग वो होता है जिसमें कि वो जाते हैं नहा नहू के। करीब करीब 7 साढ़े 7 तक ये जिन्होंने कोर्ट जाना होता है वो तैयार हो जाते हैं। बाकी लोग जो अंडर टायल होते हैं उनका वो हफ्ते में 2 बार, जैसे मैंने बताया कि वो अपने घर वालों से या मित्रों से मिल सकते हैं, तो वो अपनी लग जाते हैं। तो करीब करीब 9:30 से लेकर 12:30 तक इनकी मिलाई होती है। तो मिलाई होने के के लिए कोई बाद स्पेशल रूम होता है जहां पर आप जाकर मिल सकते हैं, या फिर बैरक के अंदर से ही आपको बातचीत करनी रहती है? हाँ, इनके लिए स्पेशल रूम होते हैं, जो ऑर्डिनरी प्रिजनर होते हैं इनके लिए स्पेशल रूम होता है, उसको मुलाकात जंगला कहते हैं। मुलाकात जंगले में जो है उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात करने के बाद जो है ये आधे घंटे की मुलाकात होती है। आधे घंटे की मुलाकात के बाद जो है आधे घंटे की मुलाकात के बाद जो है फिर इनका आधे घंटे बाद फिर ये अपनी उसमें बैरिक में आ जाते हैं। ये खाना वगैरह 12:15 के करीब इनको खाना मिल जाता है 12:30 तक। उसके बाद 3 बजे तक जो है इनका जेल बंद रहती है। 3:15 साढ़े 3 बजे करीब इनको आफ्टरनून टी मिलती है। आफ्टरनून टी लेके ये के बाद इन जिन्होंने खेलना होता है, गेम्स वगैरह शुरू हो जाती हैं जेल में, और गेम्स वगैरह करने के बाद शाम को करीब 7 बजे इनको जो है खाना सर्व होता है, और उस खाना देने के बाद जो है इनको इनकी सेल्स में बैरिक्स में इनको जो है बंद कर देते हैं। और उसके आपने बोला कि बाद गेम्स वगैरह हो सकता है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो ये किसके साथ खेल सकते हैं जो उनके साथ, जैसे केजरीवाल जी तो अकेले रहेंगे, तो किसके साथ खेल सकते हैं ये? हाँ, ये जैसे केजरीवाल जी हैं, क्योंकि जैसे केजरीवाल जी अकेले हैं अपने उसमें, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सॉफ्ट गेम्स में खेलना पसंद करते हैं। जैसे बैडमिंटन हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर है, तो इनके साथ जो सुपरिटेंडेंट जेल जो है किसी को भी अलाउ कर देता है कि आप जो है इनके साथ खेल लो। जैसे अभी हम आजकल वो खबर सुन रहे थे कि डीएम वगैरह जेल में खेलने के लिए जाते थे, ये बात सही है कि लोग आते हैं जेल में खेलने के लिए, तो किसी और प्रिजनर को हम कह सकते हैं वो इनके साथ खेल लेते हैं। और खेलने के बाद जो है ये 6 साढ़े 6 7 बजे तक चलता है। 7 बजे फिर खाना वगैरह इनको दे के फिर इनको रात को बंद कर देते हैं। जब गिनती पूरी हो जाती है, सुबह 5:30 लोग बंद किए हैं, सुबह भी अगर 5:30 लोग बंद हो गए तो उसको कहते हैं सब अच्छा, और उसके बाद रात का रेस्ट होता है और फिर सवेरे फिर 6 बजे से शुरू हो जाता है। केजरीवाल जी शुगर पेशेंट है सुनील जी, तो क्या उनके लिए कुछ स्पेशल परमिशन हो सकती है कि वो घर से खाना मंगवा सकें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, चाहे खाने पीने के तौर पे आप देखिए या एक्सरसाइज के तौर पे, तो क्या उनको कुछ स्पेशल परमिशन इसके लिए मिल सकती है? आम आदमी को तो नहीं मिलती। आम आदमी जो होता है उनका तो, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका खाना जेल में बनता है, तो मुझे लगता है ये भी घर से शायद ना मंगवाए, जेल से इनका खाना जो है जिस तरीके का ये चाहते हैं शायद उस तरीके का हो सकता है ये। सुनील जी, और आम आदमी पार्टी के और भी नेता, केजरीवाल जी के कुछ और साथी वहाँ पर मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, सत्येंद्र जैन के, कविता, जो लेकिन अलग अलग जेल नंबर में है, तो ये अलग अलग जेल नंबर में होने का क्या मतलब है, आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, और क्या ये लोग आपस में मिल सकते हैं? आपस में नहीं मिल सकते, अलग अलग जेलों में रखा हुआ है तो आपस में ये नहीं मिल सकते, अनलेस कि क्योंकि हर एक जेल का अलग सुपरिटेंडेंट जेल होता है, अच्छा ये आपस में नहीं मिल सकते। जेल नंबर 2 में, जैसे इनको सुन रहा हूं मैं कि इनको जेल नंबर 2 में रखा है, तो जेल नंबर 2 जो है कन्विक्ट जेल है, और कन्विक्ट जेल जो है वहां पे खाली कन्विक्ट रखे होते हैं, और उसमें आम प्रिजनर्स की जो है मूवमेंट बहुत कम होती है, तो शायद सुरक्षा के लिहाज से वो वहीं पे उनको रखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी इस पूरी जानकारी के लिए। मुक्ता, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके मन में जो उत्सुकता थी जानने की, उन सभी सवालों का जवाब सुनील जी ने दे दिया है। तो
क्योंकि लगातार ये बात हो रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरी चीज़ें इतनी आसान नहीं लगती क्योंकि जेल के कुछ नियम कानून हैं और उसके अंतर्गत अगर ये होगा तो ये मुश्किल लगता है। दूसरा, अगर स्पेशल परमिशन भी ली जाती है कि वो सरकार चला सकें जेल से, तो भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी क्योंकि जैसा कि सुनील जी ने बताया कि सारे कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं सीसीटीवी के, आप उसमें आप हमेशा उसकी निगरानी में रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आम हो या खास, प्रोटोकॉल सभी के लिए एक है। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।